Hello everyone, this is Jenny from RunsLab. Welcome to our YouTube channel. Today's our video about read chain in all menus. Let's get started. Read change करने के लिए हम जाते हैं मेन्यू मैनेजमेंट में, तो हम जाते हैं मास्टर डेटा मैनेजमेंट में, F&B में एंड मेन्यू मैनेजमेंट में. यहाँ पर हम अपना मेन्यू क्रिएट करते हैं और जिन जिन मेन्यू के हमने रेट चेंज करने हैं हम रेट चेंज करते हैं. बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम रेट चेंज करने के लिए अपना मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं और जिन जिन आइटमों का हमें रेट चेंज करना है हम यहाँ से उनका रेट चेंज करते हैं. तो हमें क्या करना होता है कि हमें एक एक मेन्यू वन बाय वन ओपन करके मैनुअली खोल के फिर रेट चेंज करना पड़ता है. लेकिन आज मैं बता रही हूँ आपको इस ऑप्शन के बारे में, ये है रेट चेंज की ऑप्शन. जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास जितने भी सिस्टम में मेन्यू है, 2 है 3 है 4 5 जितने मेन्यू है सारे मेन्यू आपके पास ओपन हो जाएंगे और यहाँ से आपको इन आइटम्स का रेट चेंज करना और भी इजी हो जाएगा. आपको एक एक करके मेन्यू मैन्युअली खोलना नहीं पड़ेगा, जस्ट आपको अल्ट आर प्रेस करना है, आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी. देन आपको जिस भी आइटम का रेट चेंज करना है बस आपको उसका रेट डालना है. जैसे मैंने ये एब्सोल्ट का रेट लिया, मैंने इसका रेट पहले ये 225 था इसका रेट, अब मैंने 200 रेट इसका जो कर दिया है. अब रेट करने के बाद चेंज हम इसे सेव कर देंगे. ये हमसे यस के लिए पूछता है, तो देखिए हमारा जो रेट है इसका चेंज हो चुका है. आप देख एक मिनट मैं आपको खोल के बताती हूँ. ये आइटम थी एब्सोल्ट मिनी बार मेन्यू की, तो हम मिनी बार मेन्यू ओपन करते हैं. ये देखिए यहाँ पर हम प्रोडक्ट पर आते हैं और एब्सोल्ट सर्च कर लेते हैं. ये देखिए ये जो आइटम थी इसका रेट है वो अपने आप 200 हो गया. तो आपको क्या करना है कि आपको एक एक करके मैन्युअली मेन्यू ओपन करने की बजाय आपको बस सारे मेन्यू ओपन हो जाएंगे आपके पास, आपको बस उनका रेट चेंज करना है. इससे आपको एक एक करके मेन्यू ओपन करना नहीं पड़ेगा. तो ये थी आज की हमारी वीडियो, रेट चेंज इन ऑल मेन्यूज. तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू.